किसी कैंगरू? गाइस ये देखो यहाँ पे कैंगरू मरा पड़ा है, इसको किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी है। तो गीतांजलि को फाइनली दवा मिल गई है, एंटीबायोटिक टेबलेट्स, जो कि इनको 3 हफ्ते पहले लेनी चाहिए थी। लेकिन तो गाइस ये है वो फेमस शॉप जहाँ बर्गर मिलता है, और जिसके लिए मैं 800 किलोमीटर दूर से आया हूँ, और ये लोग एडिलेड से आए हैं। तो गाइस 1 घंटे ड्राइव करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं कंगारू आइलैंड हॉस्पिटल में। अब यहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट कराया जाएगा और फिर आगे की ट्रिप की जाएगी शुरू। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस ये हॉस्पिटल है कंगारू आइलैंड का, बाहर से भी दिखा देते हैं। तो गीतांजलि को फाइनली दवा मिल गई है, एंटीबायोटिक टेबलेट्स, जो कि इनको 3 हफ्ते पहले लेनी चाहिए थी। हाँ। लेकिन उन्होंने 3 हफ्ते से ली नहीं, इसलिए अब मैं ये खाऊंगी। कल तक मुझे उसने दिए डॉक्टर ने, और कल मुझे अपना लेना पड़ेगा फ्रॉम केमिस्ट शॉप। हाँ, तो फाइनली अब इनको रिलीफ मिल जाएगा और हम आगे की ट्रिप इंजॉय कर सकते हैं। ये हमारे लिए बड़ा रिलीफ था, इनके लिए तो था ही, हमारे लिए ज़्यादा बड़ा था। देखो आयरा का सोने का स्टाइल, उसको सीधा नहीं सोना है, जिसने मम्मी को परेशान कर रखा है। मम्मा के हाथ में सोना है उसको। मम्मा के हाथ में सारा ले रखा है और बिल्कुल वो सीधे अपनी सीट पे नहीं सो रही है। पिछले 15 मिनट से की दानी ऐसी परेशान है। और देखो मम्मी बने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। तो मम्मी होने का कितना सुख होता है कि तुझसे पूछो आप। तो गाइस ये है वो फेमस शॉप जहाँ बर्गर मिलता है, और जिसके लिए मैं 800 किलोमीटर दूर से आया हूँ, और ये लोग एडिलेड से आए हैं कंगारू आइलैंड केवल और केवल बर्गर खाने के लिए। तो अब अंदर चल के देखते हैं बर्गर कैसा मिलता है, कहीं ऐसा ना हो जाए ऊंची दुकान फीका पकवान। तो गाइस बर्गर आ चुके हैं और ये देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, तो चलिए इनको खाया जाए और फिर दिया जाए आपको इनका फीडबैक। जीतू बर्गर कैसा लगा आपको? बहुत ज्यादा यमी। आपको लगता है एडिलेड से इतनी दूर आया बर्गर खाने के लिए? वर्थ है, आना चाहिए लोग कंगारू आइलैंड के लिए बर्गर खाने के लिए। हम तो स्पेशली इसी के लिए आए हैं, बर्गर के लिए। मुझे लग रहा है मैं भी इसी के लिए आया हूँ। तो गाइस हम लोगों ने एक एक बर्गर खा लिया है, सबका पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भरा है। तो हमने 2 एक्स्ट्रा बर्गर और लिए हैं और इनको हाफ हाफ कट कर लिया है। अब आधा आधा बर्गर हम और खाएंगे। कितने हैं? 4 हैं। आप बर्गर का साइज देखेंगे तो बहुत हैवी बर्गर है और एक में पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है। तो पानी डाल दो पहले। बर्गर बहुत टेस्टी है और आपको यहाँ बर्गर के लिए आना चाहिए, मतलब वर्थ है आना। ना नाम बता दो ना, दिखा देता हूँ ना, बताना क्यों है। ये देखो गाइस, देख ही लो क्या नाम है। मनी कैसा लग रहा है? 2 साल 3 साल के बाद फाइनली ये बर्गर, 3 साल से आप कोशिश कर रहे थे बर्गर खाने का, अब फाइनली ये बर्गर मिल रहा है आपको खाने को। मैं बहुत थैंक यू फेमस ब्लॉगर आकाश का, इसकी वजह से प्लान बना और मुझे लग रहा है अगले 2 साल के लिए मेरी भूख मिटेगी थोड़ी तो गाइस बर्गर खा लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने अपार्टमेंट में और वहाँ के सामने वाले बीच में आनंद उठाएंगे। एक चीज़ हम और करना चाह रहे थे, हम संडे की जगह, हमें जगह इतनी पसंद आ गई कंगारू आइलैंड, मंडे यहाँ से यहाँ जा रहे थे लेकिन फेरी की टाइमिंग्स नहीं मिल पा रही है, फेरी का स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। अगर हम पोस्टपोन कराते हैं तो हमें इवनिंग में 5:30 का स्लॉट मिल पा रहा है,
संडे से अगर हम मंडे पोस्टपोन कराते हैं, और उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि रात को ना कैब जारवीस से ट्रैवल करेंगे एडिलेड की तरफ, तो वो सेफ नहीं है बच्चों के साथ, तो 5:30 वाला स्लॉट हमने मना कर दिया है। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि 8:30 या 2:30 PM वाला स्लॉट मिल जाए मंडे, और अगर वो मिल गया हमें तो हम एक दिन और एक्सटेंड करेंगे कंगारू आइलैंड में, क्योंकि जगह तो बहुत मज़ेदार है और खासकर हमारा अपार्टमेंट तो और अच्छा है। अब आते हैं इस चीज़ पे कि 5:30 PM सेफ क्यों नहीं है, क्योंकि रात को हम 5:30 यहाँ से निकलेंगे तो 6:30 कैब जारवीस पहुँचेंगे, और तब तक सनसेट हो जाएगा, और उस इलाके में भी काफ़ी सारे कंगारू घूमते रहते हैं, तो रात को कोई भी कंगारू हमारी गाड़ी को हिट कर सकता है। ये शीशा खोल दूँ गाइस, ये देखो ये कंगारू मरा पड़ा है। थोड़ा आगे लो गाइस, ये देखो यहाँ पे कैंगरू मरा पड़ा है, इसको किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी है। आयरा ने क्या किया, ये जो लैंप आपको दिख रहा है टूटा फूटा, ये एक टाइम पर ऐसा दिखता था, ये पूरा तोड़ फोड़ के देखो सारे कांच टुकड़े गिरे पड़े हैं। पूरा लैंप फोड़ दिया हमारी आयरा, बड़ी शैतान है, और लैंप तोड़ के खुद ही रो रही है। आओ आपको आयरा दिखाते हैं, देखो ये रही आयरा जो लैंप तोड़ के आई है और खुद रो रही है। तो लैंप में टूटा हुआ दिखाया है, वो इसी ही करामात है, और लैंप तोड़ के कि कोई डांट ना, खुद ही रो रही है आयरा। लैंप क्यों तोड़ा आपने? This is not her mistake, it's my mistake. Okay, so we have the culprit. I shouldn't have called Geetanjali. Since I called, she came. So now we are coming to the root cause of the problem. So because of Deepak, that lamp is broken. That's true.